हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल नॉलेज। हम मैं सीएस वनीषा शर्मा आज आपके सामने एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करूँगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हो एंड इन्वेस्टमेंट का कोई अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो एक बेस्ट प्लान है जो LIC ने लॉन्च किया है, वो है जीवन उत्सव। जीवन उत्सव प्लान जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है इन द मंथ ऑफ नवम्बर 2023। ये प्लान के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हैं जो इस प्लान को अलग बाकी सारे इंश्योरेंस प्लान से अलग बनाता है, क्योंकि इसमें जो है आपकी 10% गारंटीड रिटर्न है। सम अश्योर्ड की 10% गारंटीड रिटर्न ये ऑफर करता है, जिसकी वजह से ये प्लान जो है बाकी सारे प्लान से डिफरेंट है। जैसे हम उदाहरण पर समझते हैं, जैसे 10 लाख की अगर आपने पॉलिसी ली है एंड 10 साल के लिए ली है, तो आपको 12वें साल कंप्लीट होने के बाद हर साल आपको 1 लाख रुपीज जो है लाइफ टाइम आपको ये मिलेगा। एक तरह से ये आपकी पेंशन प्लान हो गई। आप समझिए, अगर आप आज अगर 10 लाख की अगर पॉलिसी लेते हो एंड आप 10 साल तक अगर आप प्रीमियम देते हो, तो उसके बाद आपको हर साल 1-1 लाख रुपये करके आपको टिल लाइफ आपकी जो है ये पेमेंट करेगा। एक तरह से आपके लिए ये पेंशन प्लान की तरह काम कर रहा है एंड उसके साथ आपकी लाइफ की एक सिक्योरिटी भी ये दे रहा है। दूसरा चीज़ अगर हम इसका बेनिफिट देखें तो ईयरली बोनस प्लान भी है ये। आपको अगर हम 10 लाख की सम एश्योर्ड अगर लेते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 40,000 पर ईयर आपको बोनस भी इसमें मिलेगा। से एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि अगर आपने 10 ईयर्स के बाद अगर आपका आपको जो गारंटीड रिटर्न है वो तो आपको 10% मिलेगी, लेकिन बीच में अगर आप सरेंडर करवाना चाहते हो तो उस टाइम पर आपका सम एश्योर्ड प्लस आपको बोनस जो है वो आपको मिल सकता है। थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि इसका जो प्रीमियम बैंक टर्म है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है। 16 ईयर्स ही है, मैक्सिमम 16 ईयर्स है। जनरली हम जब इंश्योरेंस लेते हैं, हम कोई भी आप इंश्योरेंस प्लान देखिए, उसका मिनिमम जो हम मैक्सिमम टर्म जो इंश्योरेंस का रहता है, वो प्रीमियम पेइंग टर्म जो रहता है वो 20 ईयर्स 25 ईयर्स इस तरीके से रहता है, लेकिन इसका प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 16 ईयर्स मैक्सिमम है। और सबसे खास बात इस प्लान की ये है कि जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 65 ईयर्स है। नॉर्मली जो इंश्योरेंस प्लान्स लेते हैं वो 65 ईयर्स की एंट्री एज देते ही नहीं है, लेकिन ये प्लान जो है वो 65 ईयर्स की एंट्री एज तो दे ही रहा है, उसके साथ में ये बेनिफिट भी दे रहा है आपको कि उसमें प्रीमियम भी आपका कम है। तो उस तरीके से आपका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। एक तरह से ये पेंशन प्लान की तरह ही ये प्लान काम कर रहा है, आपको गारंटीड 10% रिटर्न दे रहा है, प्लस आपका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो भी बहुत कम है, मैक्सिमम 16 ईयर्स ही है आपका, एंड साथ में आपका ये बोनस की फैसिलिटी भी आपको इसमें मिल रही है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट का अगर ऑप्शन देख रहे हो, आपके पास कुछ सेविंग है, तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हो। और अगर आप इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हो। आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। थैंक यू, होप यू लाइक इट।